राम राम हिंदुस्तान। हाँ जी भाई लोगों, क्या हाल है? तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा जो कि ताइवान की टॉलेस्ट बिल्डिंग ताइपे 101 के ऊपर था, तो उसके नेक्स्ट वीक मेरा फिर से ताइपे जाना हुआ। तो मैं अपनी कार से गया था। तो जब कार से आप फ्रीवे यूज़ करते हो, यहाँ पे फ्रीवे के साथ कुछ रेस्ट एरिया हैं जिन्हें कि रेस्ट एरिया बोल सकते हो, सर्विस एरिया बोल सकते हो, और देसी लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि भाई ढाबे हैं। भाई आपको ढाबा लगेगा वो, मगर ढाबा नहीं है वो, प्रॉपर वहाँ पे आपको खाने पीने का फूड मिलेगा, शॉपिंग कर सकते हो, देखने को भी बहुत कुछ है। तो मैंने अपनी जर्नी में आने जाने के टाइम में चार जो सर्विस एरिया है, ढाबा है, रेस्ट एरिया है, वो कवर किए हैं, और चारों ही अलग अलग थीम पे बेस्ड है। एक तो नॉर्मल था, और जो दूसरा जो है वो है ताइवान का सबसे बड़ा रेस्ट एरिया है, जहाँ पे कि आप शॉपिंग कर सकते हो, खाना पीना कर सकते हो, और वहाँ पे एक फ़िश एक्वेरियम भी था। और जो तीसरा जो मैंने कवर किया था, तीसरे में वो एक ट्रेडिशनल लुक था जो कि ताइवान के अंदर पहले जो शॉपिंग मार्केट होती थी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो, या पुराने घर होते थे, उसे एक विंटेज लुक दिया गया था। और जो फोर्थ रेस्ट एरिया था वो बच्चों के गेम के ऊपर बेस्ड था, प्ले थीम थी उसकी। तो चारों ही अलग अलग थीम पे बेस्ड थे, बहुत ही सुंदर थे। और आप लोग देखिए, देख के बाद कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए कि आपको जो इंडियन ढाबा, या आप इंडियन फ्रीवे के ऊपर, हाईवे के ऊपर, अगर वहाँ पे जो भी ढाबा लगता है या सर्विस एरिया है, रेस्ट एरिया है, इंडिया का और ताइवान का कितना अलग है, तो आप देखिए। ये देखिए मेरे पड़ोस में ये एलोवेरा लगाया हुआ है, बाबा रामदेव जी प्रचार करते हैं। ये खड़ी है गाड़ी, हाँ जी दोस्तों, तो अब रेडी है हम चलने के लिए। आपको दिखाता हूँ आगे का व्यू और बातचीत करते रहेंगे, ठीक है? तो फिलहाल मैं कैमरा कर देता हूँ यहाँ से। हाँ जी, तो भाई लोगों, अब हम पहुंच गए हैं शिलो, और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट तो क्या करना, बस ये है थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ देख लेते हैं और पेशाब वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा सा चल फिर लेंगे, पैर खुल जाएंगे। तो चलो अब आपको दिखाता हूँ अंदर और बाहर क्या है, फिर अपनी जर्नी फिर से दोबारा शुरू करेंगे। ये फिश स्टाइल कुछ कुकीज़ हैं इनकी, कोई कुकी बना रहा है, ये अपने आप ऑटोमेटिक मशीन चलती है, और बनने के बाद ये
刚刚印出来吗？还可以，可以拿起来了。谢谢。谢谢。हाँ जी दोस्तों, तो ये वाली मैंने टी ली थी और इस पर कुछ गेहूँ जैसी इमेज छप रही है, देख सकते हो, तो शायद क्लियर दिखे नहीं दिखे, ये देखिए। तो ये टी है, थोड़ा सा स्वीट है। आप पूरे रास्ते इसको पीते चलेंगे और जो नेक्स्ट मैं आपको डेस्टिनेशन जगह बता रहा हूँ रेस्ट की, वो करीब 45 मिनट की दूरी पर है। तो अब अगली गाड़ी वहीं पर जाके रुकेगी, ठीक है? तो मिलते हैं नए रेस्ट वाली जगह पर। ये शकरकंदिया, ये पैशन फ्रूट है, ये यहाँ पे अंगूर, ये मुझे पता नहीं, आपको पता हो तो आप लोग बताना। सॉरी, मैं इसका ना आपको ऊपर का नहीं दिखा सकता क्योंकि ऊपर रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल इसका इनर व्यू, आउटसाइड व्यू से दिखना। हाँ जी दोस्तों, तो अब मैं वहाँ घूम फिर के आ गया हूँ, थोड़ा सा कुछ शॉट्स लिए हैं और वहाँ पे ऊपर का जो फ्लोर है अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऊपर जा नहीं सकते तो मैंने नीचे का दिखाया। अब यहाँ से फिर हम चलेंगे आगे ताइपे के लिए, आधा सफ़र हो गया है और
पहले मैं नंबर एक हाईवे यूज़ कर रहा था, फिर थ्री पे, अब शायद मेरे को थ्री से फिर दूसरे नंबर, सॉरी नंबर वन पे जाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं आगे। ओके, ये